जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 12वीं क्लास में आपकी मेहनत रंग लाई। एक बार फिर से आपको, आपके पेरेंट्स को और टीचर्स को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब 12वीं के बाद आप में से बहुत से बच्चों का सपना है भी हमें भी टीचर बनना है, तो इसके लिए आपका एग्ज़ाम फेस्टिवल एक और होने जा रहा है और उसकी तारीख है 9 जून 2024 को। आप सबको अच्छे से पता है आपकी मेहनत यहाँ भी 100% है, वो रंग लाएगी और अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आप अपनी पसंदीदा कॉलेज में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड है वो कर सकेंगे। इस परीक्षा में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, तो आज की इस वीडियो क्लास में हम उन पर बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से क्योंकि वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कैमरे में प्रॉब्लम हो चुकी है और वो अभी सॉल्व नहीं हुई है, बहुत जल्द वापसी करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं क्या। सबसे पहले तो उन्होंने कहा भी परीक्षार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वो अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन परीक्षा दिवस से पहले ही कर लें। अगर आपका परीक्षा केंद्र आपके इलाके से दूर है और आप उस इलाके के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा, तो आप एक दिन पहले जाकर भी अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो देख सकते हैं। और लेकिन मोस्टली जो परीक्षा केंद्र हैं वो आपके आसपास के शहर का ही है और लगभग लोग जानते भी हैं, तो तब आप परीक्षा वाले दिन ही थोड़ा सा पहले पहुंचकर उस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लें। अपना सेंटर का नाम अच्छे से पढ़ लें भी, हाँ आपको कौन सा सेंटर अलॉट हुआ है और वो किस जगह पर है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। चलिए इसी कड़ी में बात करें, आपको परीक्षा वाले दिन यानी कल 9 जून को क्या क्या लेकर जाना है, भूल नहीं जाना। आज ही सब कुछ सेट कर लीजिएगा। एक तो ई प्रवेश पत्र, आपको प्रवेश पत्र आपका जो एडमिट कार्ड निकला है उसको लेकर जाना है। दूसरा एक आईडी, और वो भी प्राथमिकता देनी है आपको आधार कार्ड को। आधार कार्ड लेके जाना, क्योंकि दो ही डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने कहा है, आधार कार्ड और वोटर आईडी। तो आप में से बहुत से बच्चों के तो वोटर आईडी बने हुए नहीं होंगे, आधार कार्ड लेके जाना है। और ध्यान रखिएगा वो भी कौन सा लेकर जाना है, आपको ओरिजिनल जो है वो लेकर जाना है। ओरिजिनल फोटोकॉपी है वो नहीं चलेगी। तीसरी चीज आपको ब्लैक या ब्लू पेन, इन दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक पेन आपको साथ लेकर जाना है। और ध्यान रखिएगा वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, यानी उसके अंदर जो रिफिल है वो दिखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात की करूं तो आपका एग्ज़ाम क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे का पेपर है, आपको 10:30 से पहले पहले पहुंच जाना है। कोशिश कीजिएगा 10 बजे ही पहुंच जाओ, क्योंकि 10:30 के बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। कई बार ट्रैफिक की समस्या आ जाती है, इस प्रकार का कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए घर से सुबह जल्दी ही आप चल लीजिएगा अपनी दूरी का हिसाब किताब देखते हुए। और ध्यान रखिएगा खाली पेट नहीं जाएंगे आप, खाना खाकर जाइएगा, कुछ न कुछ खाकर जाइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उस पिच पर अच्छे चौके छक्के आप लगा सकेंगे। इसलिए भूखे पेट नहीं जाना है, खाना खाकर जाना है। इसी कड़ी में बात करूँ, OMR शीट आपको अच्छे से भरनी है, गोले अच्छे से भरने हैं। आपको पता है जो भी विकल्प आपको इस तरीके से ABCD या 1 2 3 4 के जो विकल्प आपको गोले मिलेंगे, पर्सन संख्या ऐसे लिखी होगी 1 2 3 4, तो जैसे पहले का अगर B सही है तो इस प्रकार से आप बाहर से अंदर की तरफ होते हुए इस प्रकार से आप उसको भर दीजिएगा। और इतना प्रेशर भी मत डालिएगा भी पेन आर पार निकल जाए, ठीक है। तो आराम से तसल्ली से भी, हाँ भी पहले का भर रहा हूँ। कई बार होचपोच हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको होचपोच नहीं होना है। अपना मिशन है भी फतेह करना है और उस फतेह को करना है, इसलिए घबराहट की कोई गुंजाइश ही आपके पास नहीं हो सकती। आपने अभी अभी प्लस 2 के अंदर अपने सपने हैं वो पूरे किए हैं, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस एग्ज़ाम फेस्टिवल को एंजॉय है वो करना है। पर्सन संख्या देखते हुए अच्छे से उसका गोला है वो डायरेक्ट है वो करना है। रफ काम, क्योंकि रीजनिंग में आपको रफ काम की ज़रूरत हो सकती है, तो उस प्रश्न के पास या नीचे या लास्ट में खाली जगह वहाँ पर आप कर सकते हो। और आप चाहें तो प्रश्न जहाँ लिखा हुआ है ना वहीं पर ही आप रफ काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें और यहाँ बताना चाहूँगा भी, आपको सबसे पहले कौन सा पार्ट है वो करना चाहिए। आपका पता है आपके पेपर के अंदर आपको रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, लैंग्वेज आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएंगे, चार जो सेक्शन है उसके, तो उस सेक्शन को आपको सबसे पहले करना है जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसको पहले करेंगे, चाहे वो आपकी लैंग्वेज है, चाहे जीके है, चाहे रीजनिंग है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। और रीजनिंग सवाल में समय लगे तो उसे बाद में करना है। कई बार रीजनिंग का सवाल करते करते हम किसी सवाल के अंदर उलझ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उस पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि शुरू में ही अगर आपने माथापच्ची करनी स्टार्ट कर दी तो फिर क्या होता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है और वहाँ पर 3 घंटे का पता भी नहीं चलता। इसलिए पहले आप सीधे थ्योरिकल वाले जो पेपर हैं, जो सेक्शन है, उनको करने की मैं सलाह दूंगा। जैसे आपका रीजनिंग जीके हो गया, क्योंकि उसमें तो यस या नो ही है पहले राउंड में तो, और दूसरा आप लैंग्वेज कर सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हो, उसमें तो आपको बेस्ट उत्तर है वो छांटना है, फिर आप रीजनिंग है वो देख सकते हो, बाकी आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा जिस किसी भी प्रश्न में किसी भी सेक्शन का हो, अगर समय लगता है तो उस पर प्रश्न के ऊपर कोई निशान लगाकर आगे बढ़ जाए भी, मैं दूसरे राउंड के अंदर उस क्वेश्चन को करूंगा। पहले राउंड के अंदर आपको वो क्वेश्चन कर देने हैं जो 100% आप कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। और बाकी आप ज़्यादा जहाँ माथापच्ची या सोचने की जरूरत पड़ रही है, जहाँ आपको लग रहा है भी 4 में से 2 ऑप्शन तो आप काट पा रहे हो भी, हाँ ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पहला और चौथे में से कोई हो सकता है, जहाँ इस प्रकार से दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है उसका आप सेकेंड राउंड लेंगे। और उसके बाद में थर्ड के अंदर तो आपको करने ही करने हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। ये सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा का पूरा पेपर आपको हल कर देना है। लास्ट में कुछ भी नहीं हो तो अंदाजे से OMR जरूर भर दीजिएगा, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी, हर बार की तरह आप ही जीत कर आएंगे, मन में ये विश्वास रखिएगा। और PTT का एग्जाम देने के बाद में, क्योंकि लगभग यही तैयारी BSTC प्री DLD जो एग्ज़ाम है उसी के अंदर काम आएगी, तो आप में से जिन बच्चों ने प्री DLD का फॉर्म भरा है तो आपको सलाह दूंगा आप अगला राउंड फिर उसका स्टार्ट कर दीजिएगा। परिणाम आने के बाद में हम पुनः विचार करेंगे भी हमें किस के साथ जाना है, PTT के साथ 4 ईयर कोर्स करना है या 2 इयर्स वाली BSTC करनी है। तो आप सब कछुओं को, आप मेरे सब प्रिय स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेष अपने सिद्धि विनायक परिवार की तरफ से। आप सबका प्रेम ही है जो ये आपका ये अपना चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो है, वो करता जा रहा है। और आप इस चैनल के वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी स्टडी भी कंटिन्यू है वो रह सके। और जल्द जैसे ही यहाँ टेक्निकल सिस्टम मेरा सही हो पाता है तो पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।